चलिए तो हॉट सीट पे उम्मीद करती हूँ आप लोग बैठ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नहीं नहीं शिवांशी, सब्जी हमने बना ली थी, सिर्फ रोटी बाकी थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबको पूरी आजादी है अपने मन से सब कुछ करने के लिए। ओके चलिए आंसर बताइए। क्या बोला गया है देखिए जरा। बोथ टीजीएफ बीटा एंड सोनिक हेजॉग सिग्नल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरलेशन। ओके सल्फेट पैटर्न ऑफ न्यूरल ट्यूब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब या फिर न्यूरल टिश्यू से रिलेटेड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए क्या बोला गया है। हाई लेवल ऑफ बीएमपी स्पेसिफाई द सेल टू बिकम एपिडर्मिस। बीएमपी का हाई लेवल एपिडर्मिस बनाता है। क्या हमने ऐसा पढ़ा है? बिल्कुल। एक्टोडर्मल एरिया में जब बीएमपी हाई होता है तो वहां पे वो एपिडर्मिस बनाता है। बोले तो सत्य वचन बोल दिया गया है। नेक्स्ट, वेरी लो लेवल ऑफ बीएमपी स्पेसिफाई द सेल्स टू बिकम एपिडर्मिस। ना, गलत। हाई लेवल ऑफ बीएमपी स्पेसिफाई द सेल टू बिकम न्यूरल प्लेट। गलत। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ बीएमपी डू नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल। गलत। तो वी कैन गो विथ फर्स्ट ऑप्शन, इजी। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके चलो आंसर नाउ। क्या बोला गया है क्वेश्चन में। द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड न्यूकूप सेंटर एंड इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। यानी बोला गया है कि एम्फीबियन एम्ब्रियो में पाया जाने वाला डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल जो है उससे हम न्यूकूप सेंटर कहते हैं और ये जो है ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर सकता है। आपको बताना है कि ये किसके प्रेजेंस से मार्क किया जाता है। तो किसके प्रेजेंस से मार्क किया जाता है, कौन रहता है वहां पे? दैट इज बीटा कैटेनिन। इजी, याद था सभी को? हाँ जी, याद था तो यस, टफ नहीं था राइट। एक एक चीज को हमने ना जाने कितनी बार रिपीट कर करके समझा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। मैक्सिमम बच्चों को मैं देख रही हूँ आंसर सही दिया है, कुछ एक आध बच्चों ने गड़बड़ दिया है। ठीक है, दैट इज न्यूकूप सेंटर में क्या प्रेजेंट था, हमने बोला था कि न्यूकूप सेंटर को एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है। साइंटिस्ट परेशान थे कि न्यूकूप सेंटर को ये इतनी अच्छी जो कह सकते हो आप प्रॉपर्टी है वो कहाँ से मिल रही है। बाद में आगे काम चला तो पता चला कि वहां पे बीटा कैट प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से मिलती है ये स्पेशल प्रॉपर्टी न्यूकूप सेंटर को, जिससे कि न्यूकूप सेंटर ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर पाता है राइट। चलो ग्रेट, अगला सवाल। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, एक एक जगह पर अच्छे अच्छे हिंट दिए गए हैं। ठीक है, हर तरीके के कॉम्बिनेशंस को बनाइए। 2000 मेंबर ज्वाइन द सीएसआर बैच। हाँ जी, 2000 स्टूडेंट्स ने हमको ज्वाइन कर लिया है फिलहाल में जून 2024 एग्जाम के लिए, है ना। आपके साथ और 2000 लोगों ने, आपके साथ और 2000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हेमलता जी, हम लोग की प्रेयर्स, हम लोग का साथ हमेशा स्टूडेंट के साथ रहता है राइट। अब एक चीज है जो लगानी पड़ती है वो है मेहनत, डेडिकेशन। हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो हमको पता है राइट, और वो आप हम लोग के लेक्चर्स में भी देख पाते हो। अब हम ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं, अब आप अपने लिए कितना करते हैं वो भी एक मैटर है। अकेला टीचर कुछ नहीं करवा सकता है, ये एक आप कह सकते हो एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है। कोई कहना कि एक टीचर मुझे पास करवा देगा ये गलत है, कोई टीचर किसी को पास नहीं करवा सकता।
एक म्यूचुअल रिलेशन होता है जिसमें टीचर आपके ऊपर काम करता है और आप अपने ऊपर काम करते हैं। जब ये दोनों लॉक एंड की तरह फिट बैठता है ना, तभी जाकर कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तो हम आप पे काम करें और आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आगे चल के सारा कुछ जो है बढ़िया ही होगा, अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। ओके, चलो इसका आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, इंजेक्शन ऑफ नॉगिन एमआरएनए इन अ सेल दैट विल बिकम फ्यूचर वेंट्रल साइड ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो मिमिक द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर ग्राफ्ट टू द वेंट्रल साइड। यानी अगर एक एम्ब्रियो है, उसके वेंट्रल साइड में आपने नॉगिन एमआरएनए डाल दिया, तो ये वेंट्रल साइड जो है ऑर्गेनाइजर जैसा बिहेव करेगा। क्या ये बात सही बोली है? बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड भी कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? डॉर्सल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट से कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब ये जो नॉगिन को आप वेंट्रल साइड में डाला, वेंट्रल साइड को डालने के बाद वेंट्रल साइड जो है डॉर्सल में कन्वर्ट हुआ, तो इससे जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब कुछ रिजल्ट निकाला गया। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, नॉगिन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या मैंने आपको नॉगिन के बारे में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा कुछ बताया था? नहीं, हमने बोला था इट इज अ सिक्रीटेड प्रोटीन, इज नॉट अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये क्या हो गया? ए गलत हो गया, ए गलत, तो ये गलत, ये गलत, दोनों जगह पे ए है। नेक्स्ट देखिए, नॉगिन इंड्यूसेस वेंट्रल फेड। नॉगिन वेंट्रल फेड देता है, डॉर्सल फेड देता है ना, ऑर्गेनाइजर जीन की इतनी हिम्मत कि वो वेंट्रल फेड देगा? ना बेटा, बी गलत, बी गलत, तो ये गलत, बच गया अब एक ही ऑप्शन, सी एंड डी। बोला नॉगिन इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजर फेड। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि कहीं से आप ऑर्गेनाइजर हटा दीजिए और वहां नॉगिन डाल दीजिए, तो नॉगिन बिल्कुल ऑर्गेनाइजर जैसा काम करता है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। नॉगिन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस सेकेंडरी एक्सेस। बिल्कुल, नॉगिन को इंजेक्ट कर दीजिए, सेकेंडरी एक्सेस बन जाएगा। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको एक म्यूटेशन वाली स्लाइड बना के दी थी, उसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन सी चीजों को इंजेक्ट करने पे सेकेंडरी एक्सेस बन सकता है, जिसमें से एक नॉगिन भी है, राइट? चलो अगला सवाल। ओके, आंसर नाउ। अरे भाई, रोज रोज थोड़ी एक ही चीज बोलेंगे। आप लोग को जब बोला जाता है कि आंसर दीजिए, तब आंसर दिया कीजिए ना, पहले से ही काय पसर के बैठ जाते हैं चार्ट सेक्शन में। जब बोलती हूँ कि आंसर दीजिए या आंसर ना, तब आंसर पोस्ट कीजिए। अब रोज रोज ये चीज गाइड थोड़ी की जाती है, पहले भी बताया गया है। बोला गया है द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमियर्स इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर लेइंग डाउन द डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस। ठीक है, व्हाट विल बी, क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ GSK3 इन द वेंट्रल सेल ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। सिंपल बात बोली गई है कि डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 को वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 वेंट्रल साइड में काम नहीं करेगा, राइट? काम नहीं करेगा तो क्या होगा? बीटा कैट वेंट्रल साइड में घूमता रहेगा। अब ये घूमेगा तो क्या होगा? वहां भी ऑर्गेनाइजर बनाएगा, और वहां भी ऑर्गेनाइजर बनाएगा तो क्या होगा भाई साहब? सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो जाएगा। सिंपल, राइट? क्वेश्चन देखते हैं। डॉर्सल सेल विल बी वेंट्रलाइज्ड, इससे कैसे सेकेंड एक्सेस विल बी फॉर्म? बिल्कुल, द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर विल नॉट बी फॉर्म्ड। ऐसा क्यों? एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली ना, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए आंसर दीजिए। एसके जी, देख रही हूँ मैं, टॉक पढ़ने के बाद जो है आप पूरे मेंढक की तरह उछल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बिना बोले जो है आंसर देना शुरू कर रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। इन केस ऑफ एम्फीबियंस द डॉर्सल लिप सेल एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज स्पीमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर। जैसे मैंने कहा था, ऑर्गेनाइजर को जो है स्पीमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्पीमेन एंड मैनगोल्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन था ऑर्गेनाइजर को एक तरीके से सामने रखने में, राइट? तो जो डॉर्सल लिप सेल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं या उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उसे हम स्पीमेन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला,
इट इंड्यूस द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्म टिश्यू. बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर जो है वेंट्रल साइड के टिश्यू का फेट चेंज करके उसको न्यूरल ट्यूब में बदल सकता है और डॉर्सल मेसोडर्म में बदल सकता है. तो ये केस नॉर्मल वाला नहीं है. ये कहने का मतलब हुआ कि अगर हम वेंट्रल साइड में ऑर्गेनाइजर को एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा कर सकता है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू. नेक्स्ट देखिए, इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू द सेकेंडरी एम्ब्रियो. ये डोनर या होस्ट टिश्यू को जो है सेकेंडरी एम्ब्रियो यानी सेकेंडरी एक्सिस में नहीं बदल सकता. क्यों नहीं बदल सकता? इसको वेंट्रल साइड में ट्रांसप्लांट कीजिए, बिल्कुल सेकेंडरी एक्सिस बनाएगा. तो बी हो गया गलत, बी हो गया गलत, तो ये हट गया. ठीक है, और इसमें तो ए है ही नहीं, सेकेंड में ए है ही नहीं, तो ये भी हट गया. नेक्स्ट देखिए, सी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बचे हुए ऑप्शन में सी है ही नहीं. सी में क्या बोला है? इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू सेल्फ डिफ्रेंशिएट इनटू द डॉर्सल मेसोडर्म. तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत बोला है, बिकॉज इट डज नॉट को हटा दीजिए, इट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफ्रेंशिएट इनटू द डॉर्सल मेसोडर्म. क्योंकि भूलना नहीं है कि ऑर्गेनाइजर का फेट क्या है. ऑर्गेनाइजर का फेट है कि ये डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला मेसोडर्म होता है, तो हम इसे डॉर्सल मेसोडर्म कहते हैं. तो ऑफकोर्स जहां ये रहता है वहां क्या अनाउंसमेंट कर देता है कि यस आई एम प्रेजेंट हियर, सो दिस साइड विल बी डॉर्सल मेसोडर्म, राइट. तो ये खुद को जो है सेल्फ डिफ्रेंशिएट करके डॉर्सल मेसोडर्म बना सकता है. याद कीजिए ऑर्गेनाइजर के फंक्शन वाली स्लाइड, वहां पे चार फंक्शन दिए गए थे, तो वही चारों लाइन यहाँ पे चिपका दिया गया है, दैट्स इट. तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत. डी देखिए, इट हैज द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्टुलेशन, यानी इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये मूवमेंट करवा सकता है ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन. बिल्कुल, हमने लास्ट पॉइंट ही इसके फंक्शन का पढ़ा था कि इट कैन इनिशिएट द गैस्टुलेशन. तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. नेक्स्ट बोला है, बोथ बीटा कैट एंड कॉर्डिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजर. भाई कॉर्डिन तो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनाइजर के द्वारा, बीटा कैट थोड़ी प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनाइजर के द्वारा. बीटा कैट की वजह से ऑर्गेनाइजर बनता है, राइट. टीसीएफ थ्री के साथ बीटा कैट मिलके ट्रांसक्रिप्शन करवाता है साइमोइस ट्विंजिन का. साइमोइस ट्विंजिन क्या करते हैं? स्मैट टू, फॉस्फोराइटेड स्मैट टू के साथ बाइंड करके तब ऑर्गेनाइजर जीन का एक्टिवेशन करते हैं. तो बीटा कैट खुद थोड़ी ऑर्गेनाइजर से प्रोड्यूस होता है, बीटा कैट की वजह से ऑर्गेनाइजर बनता है. तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया. कॉर्डिन तो सही बोला गया बट बीटा कैट नहीं होगा. तो वी कैन से कि ए एंड डी स्टेटमेंट यानी ऑप्शन वन जो है करेक्ट है. बिल्कुल सुभस्मिता, बिल्कुल सही बोला आपने कि बीटा कैट जो है न्यूकूप सेंटर का एक मेजर एक्टिव कैंडिडेट माना जाता है, और न्यूकूप सेंटर जो है फिर बीटा कैट के थ्रू इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को. ओके, आंसर नाउ. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. क्या बोला गया है देखिए, The initial dorsal ventral axis in amphibian embryo is determined by, जो सबसे initial dorsal ventral axis होता है amphibians में वो कैसे determine किया जाता है? पहला option है the point of sperm entry. Sperm entry के point से determine होता है, बिल्कुल, क्योंकि जहां से sperm की entry होती है वो side ventral कहलाता है और उसका opposite जो side होता है वो dorsal कहलाता है, right? हमने पढ़ा था कि सबसे initial जो डीवी एक्सिस का डिटर्मिनेशन होता है वो स्पर्म की एंट्री की वजह से ही होता है. बोला है बाई ग्रेविटी, बिल्कुल नहीं. बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द यूट्रस, नो. जेनेटिक डिफरेंसेस इन द सेल, नो. सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. चलो अगला सवाल. द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला विच इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड, यानी ग्रुप ऑफ सेल जो कि एम्फीबियंस के ब्लास्टुला में पाए जाते हैं वो कैपेबल होते हैं ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करने में. कौन से ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करते हैं? दैट इज डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल इंड्यूस करते हैं. और उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है न्यूकूप सेंटर. ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. अगला सवाल. आई थिंक नहीं, नहीं, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है.
विच प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर इंड्यूस द न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग द बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन. यानी एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर से कौन सा प्रोटीन सिक्रीट होता है जो कि बीएमपी को इनहिबिट करके तब न्यूरल टिश्यू के फॉर्मेशन में मदद करता है. बीटा कैट बिल्कुल नहीं, नॉगिन करता है ऐसा. नॉगिन का काम होता है, नॉगिन क्या कर रहा था, नॉगिन जो है ये बीएमपी को जो है इनहिबिट कर रहा था और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यूरल टिश्यू बना रहा था. राइट, चलो अगला सवाल. In case of Xenopus levis, which cell make up the nucleus? अच्छा यहाँ पे spelling थोड़ा गड़बड़ है. It's a nucleus center and spemen organizer. कौन से cell nucleus center बनाते हैं और spemen organizer बनाते हैं? बोला है endoderm and mesoderm respectively. बिल्कुल, that is nucleus center जो है वो endodermal nature का है and spemen organizer जो है ये mesodermal nature का है. ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया. मेसोडर्म एंड एंडोडर्म रेस्पेक्टिवली नो, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म रेस्पेक्टिवली नो, एक्टोडर्म एंडोडर्म रेस्पेक्टिवली बिल्कुल नहीं. अगला सवाल. ओके चलिए बताइए क्या होगा आंसर. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एम्फीबियन ऊसाइट the germ plasm which gets segregated during the cleavage to give rise to the primordial germ cell is normally. तो ये एक मतलब आप कह सकते हो ये पोर्शन हमने मे बी पढ़ा नहीं है शायद, बट बोला गया है कि जो germ cell है वो cleavage के time पे कहाँ पे reside करते हैं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस साइड में नहीं. इनका लोकेशन एनिमल पोल भी नहीं होता, इनका लोकेशन वेजिटल पोल होता है. ये नोट्स में ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, और सेंट्रल पार्ट जो होता है उस साइड का वहां भी एग्रीगेटेड नहीं रहते हैं. तो इनके लोकलाइजेशन के बारे में बात किया था कि जर्म सेल्स कहाँ पे लोकलाइज होते हैं ड्यूरिंग द क्लीवेज, तो ये मेनली वेजिटल पोल में होते हैं. क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि वेजिटल पोल वाले एरिया में ही मैक्सिमम चीजें जो हैं प्रेजेंट है. वेजिटल पोल वाला एरिया और डॉर्सल वाला एरिया, यही ज्यादातर जो है हमने एक्टिवनेस के तौर पे देखा है. चलिए अगला सवाल. ओके चलिए बताइए आंसर क्या होगा. बोला गया है इंजेक्शन ऑफ नॉगिन mRNA into the one cell UV irradiated embryo of frog rescue dorsal development and allow the formation of complete embryo. ऐसा केस हमने देखा था जब हम नॉगिन के बारे में डिटेल पढ़ रहे थे. कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं ए से लेके डी तक जो कि कुछ ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं. आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा. पहला है नॉगिन इज अ सिक्रीटेड प्रोटीन, यस, विच इंड्यूस डॉर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म न्यूरल टिश्यू, यस, एंड इट डॉर्सलाइजेज द मेसोडर्मल सेल विच वुड अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेंट्रल मेसोडर्म. बिल्कुल सही. अगर ये मेसोडर्मल एरिया में ऑर्गेनाइजर ना रहे, आई मीन जैसे डॉर्सल एरिया में ऑर्गेनाइजर ना रहे, तो वो एरिया भी वेंट्रल जैसा ही तो बिहेव करेगा. राइट, तो ये सही है. और ये एक्टोडर्म को न्यूरल टिश्यू का फेट देता है, ये भी सही है, बाय इनहिबिटिंग द बीएमपीज. नेक्स्ट देखिए, नॉगिन डायरेक्टली बाइंड डायरेक्टली टू द बीएमपी 4 एंड बीएमपी 2, यस, दस प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द रिसेप्टर, यस, बिल्कुल सही. नॉगिन एंड कॉर्डिन क्या करते हैं, बीएमपी 4 एंड बीएमपी 2 के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग जो है इनके रिसेप्टर्स के साथ नहीं हो पाती है. राइट, तो ये भी ट्रू है, ए और बी सही हो गया है. नेक्स्ट देखिए, नॉगिन अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल प्रिवेंट बीएमपी फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सेल नियर द ऑर्गेनाइजर. ओके, नॉगिन जो है अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल प्रिवेंट करता है बीएमपी को फ्रॉम बाइंडिंग टू एंड इंड्यूसिंग द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म सेल नियर द ऑर्गेनाइजर.
तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, क्योंकि नॉगिन जो है बीएमपी को एक तरीके से प्रिवेंट करता है कि ऑर्गेनाइजर एरिया में जाकर वो एक्ट ना करे और वहां के एक्टोडर्म और मेसोडर्म को डिस्टर्ब ना करे, राइट। तो ये भी सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉगिन इज अ सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूस द डॉर्सल एक्टोडर्म टू फॉर्म एपिडर्मिस। नॉगिन सिक्रेटेड प्रोटीन तो है, लेकिन ये डॉर्सल साइड के एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में कन्वर्ट करता है या न्यूरल टिश्यू में, राइट। तो ये जो है न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे इन्होंने एपिडर्मिस बोला है। एंड इट वेंट्रलाइजेस, नो इट डॉर्सलाइजेस, राइट। तो ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहा है, सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, ओके चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बोला गया है द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है, बीएमपी के इनहिबिटर्स को एंड डॉर्सलाइज करता है सराउंडिंग टिश्यू को, उसे हम क्या कहते हैं। तो ब्लास्टोपोर रीजन एम्फीबियन का जो कि सिक्रीट करता है बीएमपी के इनहिबिटर को, यहीं पे आपको सबसे बड़ा हिंट मिला, बीएमपी का इनहिबिटर। बीएमपी का इनहिबिटर कौन है, नॉगिन, फॉलिस्टैटिन, कॉडिन, और ये किसके थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर के थ्रू किए जाते हैं, सो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, क्या बोला गया है, मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन द फेट ऑफ सेल बाय इट्स कंसंट्रेशन। मॉर्फोजन जो है सेल का फेट कंसंट्रेशन से ही बता सकते हैं, ठीक है। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू स्टडी द ग्रेडियंट डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ मॉर्फोजन एक्टिविन ऑन द सेल फेट बाय प्लेसिंग एक्टिविन सिक्रीटिंग बीड्स ऑन अनस्पेसिफिक ऑन ऑन अनस्पेसिफाइड सेल फ्रॉम अर्ली जीनोपस एम्ब्रियो। तो एक्टिविन के थ्रू जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है बीट्स विदाउट एक्टिविन डिड नॉट एलिसिट एक्सप्रेशन ऑफ आइदर XBRA जीन और गूसकॉइड जीन, ठीक है। XBRA जीन एंड गूसकॉइड जीन, गूसकॉइड जीन ऑर्गेनाइजर जीन है। तो बोला है कि जिस बीट्स में एक्टिविन नहीं है वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं करवाएगा फॉर XBRA या गूसकॉइड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही बोला गया है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, सेल नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन विल इंड्यूस गूसकॉइड जीन, बिल्कुल सही, हुज प्रोडक्ट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ओके, स्पेसिफाइंग द फ्रॉग्स डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बोला है, ट्रू। डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर बनाएगा ये, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जीन है डॉर्सल साइड को ही स्पेसिफाई करेगा, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेल नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इंड्यूस XBRA जीन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में XBRA जीन एक्टिवेट होता है, नो, गलत। नेक्स्ट देखिए, सेल फादेस्ट फ्रॉम द बीड्स गेटिंग नेग्लेक्सिबल एक्टिविन एक्टिवेट XBRA, जहां पे नेग्लेक्सिबल एक्टिविन मिलेगा वहां XBRA जीन एक्टिवेट होगा, नो, कुछ एक्टिवेट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट फिट जाएगा वहां पे। सेल फादेस्ट फ्रॉम द बीड्स गेटिंग नेग्लेक्सिबल एक्टिविन एक्टिवेट नीदर XBRA नॉर गूसकॉइड, एग्जैक्टली, एंड डिफॉल्ट जीन एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्ट द सेल्स टू बिकम ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, बिल्कुल सही, डिफॉल्ट फेट को ले लेगा। तो हम देखें तो ए सही है, बी सही है और ई सही है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला सवाल, ओके आंसर नाउ। बोला है इन जीनोपस एम्ब्रियो बीटा कैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डॉर्सल वेंट्रल डेवलपमेंट, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इफ द एंडोजिनस ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज दैट इज GSK3 जिसे हम कहते हैं इज नॉक्ड आउट बाय डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ अ GSK3 इन द वेंट्रल सेल ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। वापस से सवाल वही बोला है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, राइट।
तो बोला है कि जीएसके थ्री को अगर आप डोमिनेंट नेगेटिव जीएसके थ्री से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, तो जीएसके थ्री काम नहीं करेगा, बीटा कैट वेंट्रल में भी एक्सप्रेस करेगा, हेंस सेकेंडरी एक्सेस, सिंपल। बोला है ब्लॉकिंग ऑफ जीएसके थ्री ऑन वेंट्रल साइड हैज नो इफेक्ट, गलत। द रिजल्टिंग एम्ब्रियो विल हैव ओनली वेंट्रल साइड, गलत। अ सेकेंड एक्सेस विल फॉर्म, बिल्कुल। द डॉर्सल फेट इज सप्रेस्ड, नो। डॉर्सल फेट दोनों ही साइड में चला आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। अगला सवाल, ओके चलिए बताइए क्या होगा आंसर, क्या बोला गया है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन एम्फीबियन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट एम्फीबियन में डेवलपमेंट से रिलेटेड एकदम करेक्ट दिया गया है, मतलब कि सटीक दिया गया है, ठीक है। चलो पहला देखते हैं क्या बोला गया है। गैस्टुलेशन बिगिन विद द इनवेजिनेशन ऑफ वॉटल सेल, सही। फॉलोड बाई कोऑर्डिनेटेड इन्वॉल्यूशन ऑफ मेसोडर्मल प्रिकर्सर, सही। एंड द एपीबोली ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, सही। तो पहला ही स्टेटमेंट देखो तो ये मुझे ट्रू लग रहा है, हमने भी गैस्टुलेशन में यही पढ़ा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर इंड्यूसेस न्यू कूप सेंटर, भाई तो उल्टा बोल दिया, न्यू कूप सेंटर ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है, गलत। द ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म बाई द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैट, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शल ट्रू है, ऑर्गेनाइजर सिर्फ बीटा कैट के एक्यूमुलेशन से फॉर्म नहीं होता है, ऑर्गेनाइजर जब फॉर्म होता है तो बीटा कैट जो है साइमोस ट्विंजिन का एक्टिवेशन करता है, उसके बाद वो जीन ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन करती है, राइट। तो ये पार्शली ट्रू है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन पिक करना होता है हमेशा। तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट पार्शल ट्रू है, मतलब आधा सही है, ठीक है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट पूरा सही है, इसलिए हम पहले वाले के साथ जाएंगे, इसको नहीं पिक करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी इनहिबिटर एक्टोडर्मल सेल फॉर्म न्यूरल ट्यूब, नहीं, एक्टोडर्मल सेल जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी, यस, एपिडर्मिस बना लेगा, यानी अगर ऑर्गेनाइजर ना रहे तो बीएमपी एक्सप्रेस करके एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में कन्वर्ट कर देगा, ना कि न्यूरल ट्यूब, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अच्छा, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना एक बार, इसको गो थ्रू कीजिए, आई थिंक किया था हमने स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में, शायद किया था, देखिए। यस, ये 2022 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, आई थिंक मैं ईयर डालना भूल गई हूँ। ये सारे क्वेश्चन सीएसआर के हैं, नहीं ये अभी अभी नहीं किया था, ये अभी तुरंत नहीं किया था, वो क्वेश्चन जो है आई थिंक 2020 का था, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक हम ये स्पेसिफिकेशन चैप्टर में कर चुके हैं, राइट, हो गया ना ये क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं। स्पेसिफिकेशन में तो इसको किया था, एक्टिविन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, तब तो भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो बोला गया है यहाँ पर कि हाई कंसंट्रेशन एक्टिविन का ग्लूकोसाइड एक्टिवेट करेगा, जबकि इसका लो कंसंट्रेशन XBRA को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन एक्टिविन का हेल्प करेगा टू स्पेसिफाई द डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर, गलत हो गया ये। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन दैट डू नॉट लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ टू जीन द सेल विल बिकम ब्लड वेसल एंड द हार्ट, बिल्कुल सही। तो ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्पेसिफिकेशन सॉरी मॉर्फोजन वाले चैप्टर में, जितना मुझे याद है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाता है आपका, दैट इज 955। चलो अगला सवाल, ओके चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए इज द बीएमपी इनहिबिटर एंड कैन रेस्क्यू द डॉर्सल स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रलाइज्ड जीनोपस एम्ब्रियो व्हेन इंजेक्टेड इनटू इट। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लेकिन रीफ्रेम हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज अगर मैच करेंगे तो लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगा,
इसको हम बोलते हैं रीफ्रेम करना। डायरेक्ट रिपीट क्या होता है, ए टू जेड सारी की सारी लाइन टू लाइन रिपीट होती है, बट ये रिपीट नहीं हुआ, ये रीफ्रेम हुआ है। कंसेप्ट वही पूछा गया, बस रीफ्रेमिंग कर दी गई है। जैसे वो GSK 3 का नॉकआउट वाला क्वेश्चन, वो भी रीफ्रेम हुआ था, एक बार आई थिंक 2018 में पूछा गया, एक बार 2019 में पूछा गया। सिमिलर बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक 2012 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको रीफ्रेमिंग कहते हैं। तो बोला है कि कौन सा mRNA जो है वो BMP इनहिबिटर की तरह काम करता है और डॉर्सल स्ट्रक्चर को रेस्क्यू कर सकता है अगर हम उसे वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो में डाल दे। तो याद कीजिए, हमने नॉगिन के बारे में पढ़ा था कि वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो में जब डॉर्सलाइज सेल को डाला गया तो वहां पे डॉर्सल स्ट्रक्चर रेस्क्यू हो गया। बाद में पता चला कि जिस चीज को डाला गया था वो था नॉगिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नॉगिन हो गया। अगला सवाल, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आई थिंक और 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद वी विल बी डन। बोला गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपको बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है द न्यूकुप सेंटर सेल आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है, ये गलत बोल दिया गया है। नेक्स्ट, कॉर्डिन नॉगिन गूसकॉइड आर सिक्रीटेड बाई ऑर्गेनाइजर, ट्रू, इवन फॉलिस्टैटिन एज वेल। नेक्स्ट, डिफॉल्ट फेट ऑफ एक्टोडर्म इज टू बिकम न्यूरल टिश्यू, ट्रू, न्यूरल टिश्यू का डिफॉल्ट फेट होता है। BMP लेवल आर हाई इन प्रिजम्प्टिव डॉर्सल मेसोडर्म। BMP का लेवल डॉर्सल मेसोडर्म में हाई होता है, कहाँ होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। डॉर्सल मेसोडर्म में होता है या कहाँ होता है बताइए फटाफट से। इट इज इन द वेंट्रल मेसोडर्म, वेंट्रल साइड के मेसोडर्मल एरिया में होता है, राइट, यस। तो ये हो गया गलत, तो बी और सी सही हो गए। बी और सी मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, कौन से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है हिमलता? जी बिल्कुल शिप्रा, वेंट्रल साइड ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्सप्रेस एक्चुअली वो मेसोडर्मल साइड में करता है, लेकिन उसका जो एक्शन होता है ना वो एक्चुअल में एक्टोडर्मल साइड एज वेल एज एंडोडर्मल साइड दोनों में देखा जाता है। चलो इसका आंसर बताइए। बोला गया है गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन डेवलपमेंट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, फाइब्रोनेक्टिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग द मेसोडर्मल सेल टू माइग्रेट इनटू द एम्ब्रियो। वैसे ये स्टेटमेंट सही है, मैं कल इसको फाइब्रोनेक्टिन का रोल में प्ले एक्सप्लेन करना भूल गई। फाइब्रोनेक्टिन जो है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मेसोडर्मल सेल का माइग्रेशन हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। इसका मैं छोटा सा नोट्स डाल के लेकर आई हूँ। एनीवेज, मान लीजिए आपको ये पता नहीं है तो होल्ड पे डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं जो हमें पता हो, जिससे हम सही ऑप्शन पे पहुंच सकें। देखिए पहला है, सेकेंड है, ऑर्गेनाइजर सिक्रीट प्रोटीन दैट ब्लॉक द BMP सिग्नल, यस, विच अलाउ द एक्टोडर्मल सेल टू बिकम एपिडर्मिस, इज दैट सो। ऑर्गेनाइजर के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला प्रोटीन BMP सिग्नल को इनहिबिट करके वहां के एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में बदलता है, नहीं न्यूरल टिश्यू में बदलता है। तो बी गलत हो गया। देखिए अब बी गलत तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। और मान लेते हैं कि ए आपको नहीं पता था। अब देखिए बचे हुए ऑप्शन में सी भी कॉमन है और इधर भी सी कॉमन है, मतलब कि सी ऑप्शन हर हाल में ट्रू होगा। लेकिन कैसे ट्रू है देखते हैं, क्या लिखा क्या गया है यहाँ पे। WNT सिग्नलिंग कॉज अ ग्रेडियंट ऑफ बीटा कैट अलोंग द AP एक्सिस ऑफ द न्यूरल प्लेट विच अपीयर टू स्पेसिफाई द रीजनलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब।
यानी बीटा कैट जो प्रेजेंट रहता है वो एक्चुअल में न्यूरल ट्यूब को उस पर्टिकुलर रीजन में आइडेंटिटी दे रहा होता है। तो बीटा कैट का हमने रोल देखा था कि जब एपी एक्सिस फॉर्म होता है तो उस एपी एक्सिस के टाइम पे जो मेसोडर्मल टिश्यू माइग्रेट कर रहे हैं और जो एक्टोडर्मल साइड होता है उस एक्टोडर्मल साइड को जो है मेसोडर्म भी इंड्यूस करता है और वहां के सेल को न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको जो है दैट इज एपिकल डॉर्सल सॉरी एपी एक्सिस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने वहीं पे पढ़ी थी, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, द मोर वेंट्रल ब्लास्टोमियर इन द एंडोडर्म हैव हाई एक्सप्रेशन ऑफ नोडल रिलेटेड प्रोटीन। यानी ये नोडल कौन सा प्रोटीन है? XNR प्रोटीन की बात की गई है, जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन की बात की गई है। तो बोला है वेंट्रल ब्लास्टोमियर में ये नोडल रिलेटेड प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। याद कीजिए डायग्राम कैसा था, ऐसा था डायग्राम, ये था डायग्राम, ये वाला, यहाँ पे XNR था, यहाँ पे XNR था, लेकिन XNR हाई कहाँ था? यहाँ था ना, यहाँ पे। तो इसका डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये लो कंसंट्रेशन है, ये वाला हाई है। तो ये डॉर्सल में हाई होता है ना कि वेंट्रल में, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो देखिए कहते हैं क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपको गलत पता होना जरूरी है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या तो सही पता होना जरूरी है। हम यहाँ पे श्योर, यहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन है और हम डी के लिए एज वेल एज बी के लिए 100% श्योर है कि ये गलत स्टेटमेंट है। तो डी और बी को हटा दीजिए, ये भी हट गया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन टू सही हो गया। फाइब्रोनेक्टिन का मैं बता देती हूँ, जीनोपस में जब मेनली मेसोडर्मल सेल जब इन्वॉल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन के जो सेल होते हैं, जब वो इन्वॉल्यूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो ट्रैवल करते टाइम जो है फाइब्रोनेक्टिन के थ्रू माइग्रेशन शो करते हैं। वही चीज यहाँ बोला गया है कि फाइब्रोनेक्टिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मेसोडर्मल सेल माइग्रेट करते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि जब मेसोडर्मल सेल इन्वॉल्यूट कर रहे होते हैं तो उनका जो प्रिकर्सर होता है वो माइग्रेट करता है एनिमल पोल की तरफ बाई ट्रेवलिंग ऑन एन एक्स्ट्रा लैटिस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन विच इज सिक्रीटेड बाई द प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म ऑफ द ब्लास्टोसील रूफ। और इस फाइब्रोनेक्टिन को एक्टोडर्म प्रोड्यूस करके रखता है। अगर इसका लॉस हो जाए, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन टू द अरेस्ट ऑफ इन्वॉल्यूशन। अगर फाइब्रोनेक्टिन का लॉस हो जाए तो मेसेनकाइमल जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं वो इन्वॉल्यूट नहीं कर पाएंगी एंड अ फेलियर टू कंप्लीट एपिबोली, साथ ही साथ एपिबोली भी प्रॉपर ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, एंड दैट इज वाई वी हैव चूजन सेकेंड ऑप्शन फॉर दिस। ओके।